हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन से मेथड है जिनके ज़रिए हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उन मेथड्स में रिमूविंग द वेरिएबल, रेंडमाइजेशन, मैचिंग केसेस, बैलेंसिंग केसेस और ग्रुप मैचिंग है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस है। ये वो मेथड हैं जिनके थ्रू हम जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस पहला रिमूविंग द वेरिएबल है। रिमूविंग द वेरिएबल में ये होता है कि जो रिसर्चर है वो मुकम्मल तौर पर एक वेरिएबल जो है उसको निकाल देता है, उसको अपनी रिसर्च जो है उसका हिस्सा ही नहीं रखता। तो इसमें मिसाल के तौर पर अगर ऑब्जर्वर है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है उसकी, वो डिट्रैक्ट करता है, तो उसको रिमूव कर दिया जा सकता है, उसको जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। तो इस तरीके के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप ग्रुप्स को। तो ऑब्जर्वर जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप्स है, उन दोनों को जो है वो इस तरीके के साथ कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल इसका जो मेजर पोर्शन है वो यही है कि आप एक वेरिएबल जो है उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो बिटवीन सब्जेक्ट्स में बी एलिमिनेटेड बाय सिलेक्टिंग केसेस विद यूनिफॉर्म करेक्टर्स, के एक जैसे जो करेक्टरिस्टिक्स वाले जो केसेस हैं तो उनमें से जो मिलते जुलते हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स में उनको निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, फीमेल जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिमूव्स जेंडर एज ए वेरिएबल, मतलब क्योंकि वेरिएबल तो जेंडर ही होगा फीमेल का, उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, इस सेंस में हो जाएगा कि उसकी जर्नलाइजेशन भी सिर्फ फीमेल तक ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। सपोज़ कि जेंडर जो है आप सिर्फ फीमेल जो उसको ले लेते हैं, मेल को नहीं लेते, आपने पूरे का पूरा जो मेल जेंडर है वो वहाँ से वेरिएबल रिमूव कर दिया है, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल जो है फीमेल वेरिएबल को लेके अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको फिर उसकी जनरलाइजेशन भी जो है वो फीमेल तक ही रखनी पड़ेगी, उसको लिमिटाइज करना पड़ेगा, उसको आप दूसरे जेंडर तक नहीं लेके जा सकते। दूसरा जो मेथड है वो है रेंडमाइजेशन का। अब रेंडमाइजेशन जो है वो थ्रू आउट जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक टूल के तौर पर यूज़ होता है। इसमें जो है वो अमाउंट ऑफ एरर जो है वो डिक्रीज होने वाली बात नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सटर्नल्स वेरिएबल्स जो कोशिश करते हैं उसको इफेक्ट करने की, उसको क्या किया जाता है, उसको इक्वलाइज कर दिया जाता है दो दो ग्रुप्स के दरम्यान। मतलब इस सेंस में कि आप जब दो ग्रुप्स की सिलेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या कंट्रोल ग्रुप को, तो आप क्या करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू रेंडमाइजेशन, के आप जो रैंडम सैम्पलिंग है उसका इस्तेमाल करेंगे कि आपने अपने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए उनको आपने रैंडम वे जो है उसके साथ सेलेक्ट किया है। अब इससे होता क्या है कि ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है रैंडमाइजेशन का, कि इसमें आप जो सिस्टमेटिक बायसनेस है उसको ख़त्म कर देते हैं या उसको मिनिमाइज जो है वो कर दिया जाता है, कि एक्सट्रेनस वेरिएबल्स जो हैं यानी जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है इसके ज़रिए, कि एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स या एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं या एक जैसी जो खसूसियात रखने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में अगर आ भी जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम जो है वो हमें ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। डेफिनेटली होगा तो सही, हम उसको बिल्कुल जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकेंगे, लेकिन यह है वो कम हो जाएगा, इक्वली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। थर्ड जो है वो मैचिंग केसेस है, ये बहुत परफेक्ट हो जाता है, मतलब कि ये एक फिजिबल वे है। इस सेंस में रैंडमाइजेशन के हिसाब से तो आप जब देखते हैं कि वो नहीं काम करती तो आप मैचिंग केसेस की तरफ आ जाते हैं, और इसमें आप क्या करते हैं कि बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक्स के जो दो ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं बिल्कुल इक्वल, जैसे वो दो भी जो दो ग्रुप हैं या तीन ग्रुप हैं जितने भी आपने करने हैं उसमें आपने बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह की करेक्टरिस्टिक्स में होंगे, ज़रा बराबर उसमें फ़र्क जो है वो आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ वन जो है वो है बैलेंसिंग केसेस और ग्रुप मैचिंग। अच्छा, बैलेंसिंग केसेस या ग्रुप मैचिंग जो है
इसमें एक चीज़ तो ये क्लियर आप करें कि आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, तो आप उन ग्रुप्स को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब आप समझते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स में वो इक्वल करेक्टरिस्टिक्स या इक्वल फीचर्स नहीं रखते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बैलेंस कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जो भी आपने बनाया हुआ है, उसमें आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल इस सेंस में करेंगे उनको कि वो इक्वल हो जाए, कि इसमें एक एक तरफ ज़्यादा अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरी तरफ अच्छे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि जो बने बनाए ग्रुप्स हैं उनको क्या करें, उनको इक्वल कर दें, ताकि जो उसमें जो ये खदशा है एक्सट्रीमस या कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स का, वो वहाँ पर नहीं रहता, वो क्लियर हो जाता है। लास्ट वन जो है वो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। अच्छा, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जो है, इसमें एक्सपेरिमेंटर जो है या इसमें जो रिसर्चर है उसको ये करना पड़ता है कि जो को वेरियंस हैं, यानी कि वो वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो चेक कर रहे हैं किसी की जो है वो मेथडोलॉजी डिफरेंट आपने इस्तेमाल की है, उसमें जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उस स्ट्रेटजी या मेथड के अलावा जो जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही होगी वो होगा प्योर नॉलेज सब्जेक्ट्स का, या उनका आईक्यू जो परफॉर्मेंस है, मतलब उनका आईक्यू जो इंटेलिजेंस है वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होगी। तो अब करना ये है कि रिसर्चर जो है वो क्या करेगा, वो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस करते हुए वो जो हमारे पास कोवेरियंस फैक्टर्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस है या ये है प्रियोर नॉलेज है, उसको वो कंट्रोल कर लेगा। इस तरह कंट्रोल करने पर क्या होगा कि उसका जो डायरेक्ट परफॉर्मेंस जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी जो मेजरमेंट है वो देखी जाएगी। अब जब आप कोवेरियंस की तरफ चलते हैं, ये बेसिकली जो कोवेरियंस है ये हम अनकोवा, जब एक हमारा पास जो स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट जो है उसका एक हमारे पास मेथड है, उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 होते हैं या ज़्यादा होते हैं, 1 नहीं होता उसमें। बहरहाल जैसे आप स्ट्रेटजीज या मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं टीचिंग की, तो वो 1 से ज़्यादा होगी, 2 होगी या 3 होगी। फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है परफॉर्मेंस है, तो वो उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये जो 3 या 4 मेथड हमने यूज़ किए हैं इनके जो मीन स्कोर है उस पर क्या डिफरेंस जो है वो क्या आता है। और जो को वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो को फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कौन से हैं और उनको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो एनालिसिस ऑफ को वेरियंट्स है, उसमें जो रिसर्चर है वो को वेरिएबल्स जो को वेरियंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ताकि वो उसके वो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स का जो काम कर रहे हैं वो ना हो, और एक मेजरमेंट जो है वो प्योर वे के साथ जो या प्योर जो एक है हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमें मिले, और उसमें कोई भी कन्फाउंडिंग वेरिएबल जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो हैं उनके बारे में मालूमात मिलती रहे।